Hello, my dear friends. I am Kumashu Praveen and I welcome you all on this KS Educational Hub. Friends, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पजल्स लाता हूँ और अभी तक मैंने अबाउट 200 प्लस पजल्स प्रोवाइड किया है। तो आप इन सारे पजल्स को यहाँ से बनाइए और एक जो पजल्स फोबिया होता है, वो डेफिनेटली आपका दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम सब एक मेमोरी बेस्ड पजल के साथ हैं जो कि आपका कैनरा बैंक में पूछा गया था। तो आपके सामने पजल है, आप इस पजल को पहले खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कितने टाइम में और किस अप्रोच से आप पजल को सॉल्व कर पाते हैं। और फिर हम सब चलेंगे इसके अप्रोच पे कि क्या अप्रोच होना चाहिए और कितने टाइम में इस पजल को सॉल्व करना चाहिए। तो आई होप कि आप सबने पहले इस पजल को बनाया और आप सबको क्या टाइम लगा और कैसे आपने इस पजल से डील किया। चलिए अब हम सब देखते हैं और देखते हैं कि कितने टाइम में इस पजल को सॉल्व करना चाहिए और क्या अप्रोच होना चाहिए। जैसे आप सब ने देखा, 8 फ्रेंड्स है, FGHIJKLM गोज फॉर मीटिंग इन 3 डिफरेंट सिटीज। आपका सिटीज दिया हुआ है दिल्ली, मुंबई एंड पटना, एट डिफरेंट टाइमिंग। और टाइमिंग है आपका 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM एंड नॉट इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, और एक चीज़ था कि नॉट मोर देन द 3 पर्सन इन एनी सिटी, कोई एक सिटी में 3 पर्सन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट है, एफ गोस फॉर मुंबई। तो आपको ये तो पता चल गया 3 सिटीज़ और डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग है हर एक फ्रेंड्स के लिए, हर एक पर्सन के लिए। तो आप 3 सिटी पहले बना लीजिए। सिटी आपका कौन कौन सा है? दिल्ली है, मुंबई है आपका, और एक आपका क्या है? पटना है। दिल्ली में कुछ होंगे, मुंबई में कुछ होंगे, पटना में कुछ होंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ है। एफ गोज फॉर मुंबई ओनली विद दैट पर्सन हु गोज एट 8 PM। एफ मुंबई जा रहे हैं बस उसके साथ जो कि 8 PM पे हैं, जो 8 PM में जा रहे हैं। तो मतलब और कोई भी पर्सन इस मुंबई में होने वाला नहीं है। के गोज विद द पर्सन हु गोज एट 7 PM बट नॉट फॉर मुंबई। के उस पर्सन के साथ जा रहा है जो कि 7 PM में जा रहा है, लेकिन के कहाँ जा नहीं जा रहा है? मुंबई पे नहीं जा रहा है, के मुंबई नहीं जा रहा है। वन हु गोज टू दिल्ली मस्ट बी एट 3 PM, मस्ट नॉट बी एट 3 PM एंड नॉट बिफोर 3 PM। जो कि दिल्ली जा रहा है वो क्या होगा? 3 PM पे नहीं जाएगा और 3 PM से पहले भी नहीं जाएगा। तो 3 PM के बाद वाला आपका कौन कौन सा टाइमिंग बचा? 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 4, 5, सॉरी 5, 6, 7, 8, ये टाइमिंग आपका बचा। आप देखिए 8 PM तो आपका मुंबई में यूपी मतलब यूज़ हो चुका है, तो 8 PM इसमें होने वाला नहीं है। तो 4, 5, 6, 7 आपका बचा। तो दिल्ली में आप जो भी जाएंगे इसी टाइमिंग में से जाने वाले हैं। ठीक है, वन पर्सन हु गोज फॉर पटना इज एट 6 PM। एक पर्सन जो कि पटना जा रहे हैं वो क्या जा रहे हैं? 6 PM में जा रहे हैं। तो यहाँ से भी एक 6 PM एलिमिनेट हो गया। तो आपके पास बचा क्या? 4, 5 एंड 7। अब आप देखिए क्या था एक मेंशन कि आपके पास कोई भी सिटी में 3 पर्सन से ज़्यादा नहीं होगा। टोटल पर्सन 8 थे, 2 यहाँ पे हो चुका है, तो आपके पास बचा कितना? टोटल 6। डेफिनेटली आपके पास कहीं ना कहीं एक में 3 होगा और एक में 3 होगा। एक में 2 अगर होता है तो दूसरे में 4 हो जाना है, जो कि 4 पॉसिबल नहीं है, नॉट मोर देन 3 पर्सन है। तो ये आपका तो डन हो गया कि एक में 3 होने वाला है, एक में 3 होने वाला है। अब आपके पास इसमें टाइमिंग क्या क्या बचा है? 4, 5, 7, मतलब आपके पास दिल्ली में जो भी जाएगा वो 4, 5 और 7 पे जाएगा, क्योंकि इसको छोड़ करके इसके पास और कोई टाइमिंग बचेगा नहीं। 4, 5, 7 और जो भी और जो बचा टाइमिंग अब वो आपका मुंबई और पटना में जाने वाला है। अब देखिए के आपका दिया हुआ था कि 7 PM पे जो जा रहा है उसके साथ जा रहा है, मतलब के आपका 7 PM अगर इसमें है तो के आपका डन हो गया कि इसमें ही होगा। ठीक है, के अगर इसमें होगा तो अभी हमें पता नहीं कि कहाँ पे होगा। और आगे पढ़ते हैं फिर। जे एंड एल गोज फॉर द सेम सिटी बट नॉट विद के। जे और एल दोनों सेम सिटी में जा रहा है लेकिन के साथ नहीं जा रहा है। के तो आपका इस दिल्ली में है तो के यहाँ पे, सॉरी, जे और एल यहाँ होना नहीं है, तो जे और एल यहाँ तो हो नहीं सकता है। मतलब जे और एल आपका डन हो गया कि यहाँ ही होना होगा, बट नॉट विद के। आई गोज एट 5 PM, 5 PM तो आपका यहाँ है, मतलब आई आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाना है। विथ जी, मतलब के और जी अब क्या हो गया?
इसमें ही होना है के आपका 7 के साथ जा रहा है, 7 पे तो नहीं जा रहा है, मतलब 7 यहाँ है तो के लिए बस एक ही टाइमिंग बचा 4, और एक जी था तो जी आपके पास क्या हो गया 7। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन से आप यह तो निकाल लिए। अब आपके पास क्या बचा, जे एल तो इसमें हो जाना है, और एक पर्सन इसमें कोई होगा और एक पर्सन इसमें कोई होना है, क्योंकि इसमें 3 होगा, इसमें 3 होगा, 3 3 6 और 2 8 होना है। पर्सन एम डज नॉट गो टू दिस सिटी वेयर एल गोज। एल देखिए आपका इस सिटी में जा रहा है, तो पर्सन एम यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आपका पर्सन एम फिर यहाँ ही जाना होगा, पर्सन एम आपका इस सिटी में जा रहा है। द डिफरेंस ऑफ मीटिंग टाइमिंग बिटवीन जे एंड एफ इज 3 आवर। जे और एफ का मीटिंग टाइमिंग, जे आपका इसमें हो रहा है और एफ आपका मुंबई के लिए है, इस दोनों का जो मीटिंग टाइमिंग है वो क्या है, 3 आवर का डिफरेंट है। टोटल टाइमिंग आपके पास बचा, यूटिलाइजेशन आप, टोटल टाइमिंग आपके पास है कितना, पहले आप ये देखिए, 1 है 2 3 4 5 6 7 और 8 है, आपका यूटिलाइज टाइम कौन कौन सा हो चुका है, 4 5 7 4 5 7 हो चुका है, 8 भी आपका यूटिलाइजेशन हो चुका है, जो कि जे और एफ तो पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास जे और एफ के लिए टाइमिंग क्या क्या था बचा, 1 2 3 एंड 6 बचा। अब 3 आर का डिफरेंस जे और एफ के लिए आपको देखना है, तो वो किस में टाइमिंग पॉसिबल है, 6 और 3 में ही बस हो रहा है, और किसी में तो 3 आर का डिफरेंस होगा नहीं, और 6 आपका क्या दिया हुआ था, कोई पटना में होगा, मतलब 6 अगर यहाँ है तो ये तो डन हो गया कि फिर जे के लिए पटना में 6 PM का हो जाना होगा, और फिर आपके पास एक बचा 3, तो एफ के लिए क्या होना होगा, 3 PM पढ़ना होगा। ठीक है, अब एल इसमें कहीं होना है, और एक आपका टर्म, एक और फ्रेंड आपका कौन बच गया, एफ जी एच, एच कहीं नहीं हुआ है ना, हाँ एच हो जाना है फिर इस पे। अब इस दोनों का टाइमिंग हमें देखना होगा। एच मीटिंग टाइम इज बिफोर एल, एच का जो मीटिंग टाइम है वो बिफोर एल है। अब देखिए दो आपके पास टाइमिंग बचा, एक 1 और एक 2, अब एच का टाइमिंग क्या है, एल से पहले है। ठीक है, अब एल से पहले है का मतलब क्या हुआ, एल अगर 2 PM पे होगा, सॉरी एच का टाइमिंग, एच मीटिंग टाइम इज बिफोर एल, हाँ एल अगर 2 PM पे होगा तो क्या होने वाला है, एच 1 PM पे होने वाला है, मतलब एच आपका 1 PM हो रहा है तो एल क्या हो रहा है, 2 PM हो रहा है, ये 6 PM, ये 4 PM, ये 5 PM और ये 7 PM। इस तरह से देखिए, ये आपका कैनरा बैंक में पूछा गया था, और बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम को बनाया जा सकता है, और आप सबने बनाया होगा डेफिनेटली। तो देखिए ऐसा पजल्स आप आपके प्री में, SBI क्लर्क के प्री में बहुत चांसेस है कि आएगा, आ सकता है, और आप एक मतलब ज़रूरी था आपके लिए कि आप वैरायटीज ऑफ पजल बनाएं, और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी डिफरेंट टाइप का पजल्स आपका आता है तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टैकल करें। तो आप सबको ये अप्रोच पसंद आया होगा, और डेफिनेटली जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मेमोरी बेस्ड पजल, उन सब से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। और अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम सब वापस मिलेंगे एक नए पजल के साथ, एक नए अप्रोच के साथ, और मेरा आपको मतलब आप मेरा फोकस है कि आपको अगर पजल फोबिया है, आपको अगर पजल से डर लगता है एग्जाम में अगर नहीं बनता है, तो आप इतनी प्रैक्टिस करें कि डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ एग्जाम में बनना स्टार्ट हो जाए और बनने लगे। तो आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ओनली, और प्रैक्टिस एक वे है जिसके थ्रू कि आप अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, और जितना अधिक आपको जहाँ से भी पजल आपको मिल रहा है उन सारे पजल्स को आप बनाएं। तो चलिए हम सब वापस मिलते हैं।